हेलो पेट लवर्स, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव पेट्स डॉग ब्रीडिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पेट ओनर हैं या फर्स्ट टाइम ओनर हैं जिनके पास में फ़ीमेल है, तो अक्सर उनका ये सवाल रहता है कि हमारी फ़ीमेल हीट पे कब आएगी या उसको हम कैसे पहचानें कि वो हीट पे है या नहीं है, उसको हम मैट कराएं तो कब कराएं। तो ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी देखिएगा बिना स्किप करें। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास में फीमेल है, चाहे वो कोई सी भी ब्रीड की हो, स्मॉल ब्रीड हो या लार्ज ब्रीड हो या वैसे भी कोई भी ब्रीड हो, लैब हो या जर्मन शेफर्ड हो, तो आपकी जो फीमेल है फ्रेंड्स वो 9 से 12 महीने में पहली बार हीट पे आती है। कुछ कुछ फीमेल हैं जो पहले और बाद में भी आ जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर टाइमिंग होती है वो 9 से 12 महीने के बीच में होती है। तो जो फर्स्ट हीट होती है वो आपको 9 से 12 महीने के बीच में देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो होता है, जो फीमेल की वजाइना होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, उससे ब्लड आने लगता है, ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है फ्रेंड्स, तो वो आपका जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग के हिसाब से धीरे धीरे कम होता रहता है। जो टाइमिंग होती है पीरियड्स की या डेट की, वो पहले दिन से लेकर 17वें 18वें या 19-20वें दिन तक होती है। फीमेल को 20 दिन तक ब्लड आता है, जिसमें पहले स्टार्टिंग के 10 दिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आता है और बाद के जो 10 दिन होते हैं उसमें ब्लड कम होने लगता है। रही बात मैट कराने की फ्रेंड्स, तो जो मैट कराई जाती है फीमेल, वो तब कराई जाती है कि आपकी फ़ीमेल को जो ब्लड आ रहा है वो हल्का पिंकिश हो जाएगा या फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब उस ब्लड, अगर वो ब्लड आपका फर्श पे पड़ा हुआ है तो आपको आर पार दिखेगा उसका। और अगर आप देखना चाहें तो किसी भी लैब में अपनी फ़ीमेल का ब्लड सैंपल ले जाकर उसकी स्लाइड बनवा सकते हैं, तो वो स्लाइड में क्लियर हो जाता है कि आपको वो किस दिन मैट करानी है। हम ब्रीडर लोग जो फ्रेंड्स मैट कराते हैं वो 11वें से 13वें दिन के बीच में कराते हैं, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल सही होता है। और हम लोग दो बार मैट कराते हैं, आप दो बार भी करा सकते हैं, दो बार से ज़्यादा भी करा सकते हैं। ज़्यादा कराने का जो हमें रीज़न है वो ये है कि जो फीमेल की कंफर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है कि वो कंसीव हो जाएगी। तो और जैसे आपको नहीं समझ में आ पा रहा है या कुछ और दिक्कत आ रही है, तो आपको और भी कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे आपकी फ़ीमेल के हीट पे आने से पहले कुछ टाइम पहले ही उसके बाल गिरने लगेंगे, उसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, उसके बाद वो बार्किंग करेगी फालतू में ही, किसी को भी देख के भौंकेगी या फिर कोने में जाने की कोशिश करेगी। तो यह सारी चीज़ें भी होती हैं जो आपको पता चल सकता है कि आपकी फ़ीमेल हीट पे आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।